चीन की राजधानी बीजिंग में विंटर पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने पहुंचे यूक्रेन के खिलाड़ियों ने अपने देश में रूस के हमले का विरोध जताया। इन लोगों ने खेलों की ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले प्रदर्शन भी किया, जिसके लिए ये लोग ओपनिंग सेरेमनी से करीब 30 मिनट पहले खिलाड़ियों के लिए तय जगह पर इकट्ठा हुए और यूक्रेन पर रूसी हमले के विरोध में बैनर पकड़कर नारेबाजी शुरू कर दी। वहां पहुंचे दूसरे देशों के खिलाड़ियों ने भी प्रदर्शन कर रहे यूक्रेन के खिलाड़ियों का तालियां बजाकर समर्थन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद एक दूसरे को गले लगाते हुए यूक्रेन के खिलाड़ी भावुक हो गए और कुछ तो अपनी आंखों से आंसू पोंछते दिखाई दिए। उधर यूक्रेन युद्ध से दूर थाईलैंड से एक दुखद खबर आई। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पूर्व स्पिनर शेन वॉन का निधन हो गया। वो 52 साल के थे और अभी थाईलैंड में ठहरे हुए थे, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ने की खबर आई। बताया गया कि शेन वॉन अपने घर में बेहोश पाए गए। उनके निधन पर दुनिया भर की खेल हस्तियां और उनके प्रशंसक हैरान हैं। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, केविन पीटरसन समेत कई लोगों ने यह खबर आने पर दुख जताया। वॉन ने अपने निधन के कुछ घंटे पहले ही ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रहे रॉड मार्श के निधन पर ट्वीट किया था और उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। वॉन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में 1000 से ज्यादा विकेट लिए थे। यही नहीं, वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और कोच भी रहे, जिसमें उन्होंने पहली बार ही 2008 में टीम को खिताब जिता दिया था। रूसी सेना की कीव के बेहद करीब पहुंचने से दहशत का आलम ऐसा है कि हजारों लोगों ने वहां से भागने के लिए रेलवे स्टेशनों का रुख कर दिया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। और कीव के एक रेलवे स्टेशन के हालात तो ऐसे दिखे मानो पूरा शहर वहीं आकर इकट्ठा हो गया हो। लंबी कतारों में लगे लोगों को सिवाय ट्रेन तक पहुंचने के किसी चीज का होश नहीं था। कुछ लोग तो ट्रेन पकड़ने के लिए पटरियां लांघ कर वहां जाते दिखाई दिए। कोई अपने बच्चों को साथ लेकर ट्रेन पर चढ़ने की जद्दोजहद करता नजर आया, तो किसी के हाथ में उनके पालतू जानवर दिखाई दिए। लोगों ने आनंद फानन में कीव छोड़कर जाने की वजह भी बताई। रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ उमड़ी कि प्लेटफॉर्म पर पांव रखने तक की जगह नहीं बची और ट्रेन इस कदर भर गई कि उसका ड्राइवर चिल्लाते हुए हाथ हिलाकर लोगों से उस पर नहीं चढ़ने के इशारे करता दिखा। ऐसे में जिन्हें ट्रेन में जगह मिली वो तो अपनी मंजिल की ओर निकल गए, बाकी लोग बेबस होकर दूसरी ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हो गए। उधर रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन बॉर्डर के पास रोमानिया के सिरित में एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। 7 साल की ये बच्ची हमले के बाद यूक्रेन से भागकर एक शरणार्थी कैंप में रह रही है, लेकिन इसी दौरान जब उसके जन्मदिन का पता चला तो वहां उसकी देखरेख में तैनात लोगों ने बच्ची को बर्थडे का सरप्राइज दिया। शरणार्थी कैंप में ही अरीना नाम की इस बच्ची के लिए केक, गुब्बारे और बर्थडे कैप का इंतजाम किया गया। जैसे ही बच्ची बाहर आई उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसको एक सुरक्षा कर्मी ने गोद में उठाया और कई तोहफे दिए। युद्ध के बीच अपने देश से दूर तोहफे पाकर बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे ऐसा लगा मानो वो शरणार्थी कैंप में नहीं बल्कि अपने घर में हो।